नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। जिला कठुआ के युवा सेवाएं व खेल विभाग द्वारा खेलो इंडिया योजना के तहत बसोली में दूसरे फेज के अंतर पंचायत ब्लॉक स्तरीय खेल मुकाबले आज से शुरू करवाए गए। दो दिवसीय इन खेल मुकाबलों का शुभारंभ बसोली के DSP पारुल भारद्वाज ने किया। पहले दिन लड़कों के मुकाबले होंगे व दूसरे दिन लड़कियों के मुकाबले करवाए जाएंगे। पेश है संबंधी हमारे सहयोगी सुशील कुमार की एक रिपोर्ट। क्या गेम होता अंदर आंदे पीछे रे। हां हां सुन, 3-2 दिन ना मैं जगह ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ DC साहब इसके चेयरमैन है। ये खेलो इंडिया का कंपटीशन चल रहा है। आज है हमारा ऑल एज ग्रुप बॉयज अंडर 17, अंडर 19 और अबव 19। इसमें हमारी खो खो, वॉलीबॉल और कबड्डी की टीमें हिस्सा ले रही है। इसमें हमारे टोटल स्ट्रेंथ बच्चों की आई है 340 आई है। 340 लड़के हमारे इसमें पार्टिसिपेशन ले रहे हैं। जो हमारे मैच है खो खो का, अभी हमारा फाइनल हो चुका है, वो हुआ है फाइनल मैच चैंकर वर्सेस पलाक, और इसमें विनर जो हुआ है वो पलाक हुआ है। बाकी के हमारे मैच जो है वो अभी चल रहे हैं, उसके रिजल्ट शाम तक मिलेंगे। टीम मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है वो इसमें हिस्सा ले, नशे की तरफ ना जाके बच्चा खेल कूद में और अपनी सेहत की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखे, जिससे हमारा बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए फिजिकली, मेंटली और सोशली। अब मूवमेंट चल रही है हमारी एक फिट इंडिया, ये स्पोर्ट्स के जरिए हमारे जो बच्चे हैं वो फिट रहे, स्वस्थ रहे।